एमएनएस न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नागपुर के 33 केवी के हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आने से सुंगत नगर निवासी दो जुड़वा भाइयों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके चलते हाईकोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत किया गया था। 22 नवंबर से रवि भवन स्थित समिति के कॉटेज नंबर 28 में सुनवाई करने की घोषणा की गई। लोकसभा चुनाव से पहले शिमला सीट पर बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। राजनीतिक जानकारी के माने तो अपनी जीत पक्की करने के लिए भाजपा धनी राम चाड़िल को बीजेपी में शामिल होने के लिए जुटे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव पहले चरण की वोटिंग जारी, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आए हैं। पहले चरण का मतदान जारी किया, जिसके चलते जिसमें प्रदेश की 18 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रही है। बरखस की 12 और राजनगांव की 6 विधानसभा सीट पर लोग वोट डाल रहे हैं। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस न्यूज हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।